मैं तो जा रहा हूँ दिल्ली, इमरजेंसी में एकदम दिल्ली जाना पड़ रहा है। वो तो हमारा बैग भी रेडी है, तो मैं निकल रहा हूँ। ठीक है, मैं तो बस स्टॉप पर आ चुका हूँ, रोडवेज अड्डे। मैं तो सिलमपुर पहुँच गया हूँ और अब यहाँ से जाऊँगा ब्रह्मपुरी। देख रहे हो गाइस कितनी भीड़ है, रात के 11:15 हो रहे हैं, 11:30 के करीब। 19 का टाइम याद आ गया जब मैं दिल्ली में काम करता था, दिल्ली की गलियां घूम रहा हूँ। रात के 3 बजे मैगी और देखिए कोल्ड ड्रिंक। कहाँ जा रहे हैं हम? 12 में जा रहे हैं। ये गर्मी कहीं तो है, 45 टेम्परेचर हो रहा, 45। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे भी किसी कुछ ऐसा है, हमने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है दोपहर के 2:30 बजे से। तो आज हमने सुबह से व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, तो थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, सर में दर्द हो रहा सुबह से, क्योंकि गर्मी ताबड़ तोड़ गर्मी है सुबह से ही। मतलब 6 बजे से 6:30 बजे से इतनी धूप थी, बस क्या बताऊं, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी हो गई है। इसलिए कबीर को मैं 12 पर लेके जा रहा हूँ। कबीर सुबह से ही जिद कर रहा है, सुबह से रो रहा है, 12 पर जाने की जिद कर रहा है। तो हम फार्म हाउस पे जाएंगे, अगर वहां पर फार्म हाउस पे 12 चली हुई मिल गई तो वही इंजॉय करेंगे, नहीं तो फिर जाएंगे बड़े बाग पर। तो कबीर तो बाइक पर जाकर बैठ गया और मेरे साथ मेरे मामा भी जा रहे हैं, अम्मी के चाचा के बेटे शब्बू मामा। तो जाके आराम से 12 में नहाएंगे अगर चलती हुई मिल गई। तो चलिए चलते हैं 12 पर, चलते हैं वहीं मिलते हैं आपसे जाकर। कहाँ जा रहे हैं हम? 12 में जा रहे हैं। गर्मी हो रही है बहुत। हाँ। कितनी गर्मी हो रही है? बहुत गर्मी हो रही है, हाई टेम्परेचर गर्मी हो रही है ना। हाँ। चलो चल रहे हैं ना, निकल रहे हैं। चलो जी निकलते हैं। जी हम तो निकल चुके हैं 12 पे जाने के लिए और वहीं मिलते हैं। तो फार्म हाउस पर आ चुके हैं नहाने के लिए और देखिए भीड़ भीड़ चल रही है। तो कितनी पब्लिक है, भीड़ ही भीड़ है, भीड़। ये गर्मी का ही तो है, 45 टेम्परेचर हो रहा, 45। इतनी गर्मी में पब्लिक देखो कितना एंजॉय कर रही है, फुल एंजॉय, भीड़ ही भीड़। चले नहाने के लिए, चले 12 में। चलो करो जल्दी से, जल्दी से। गाइस हम तो नहाकर निकल गए हैं घर के लिए और घर जा रहे हैं जल्दी से, अपना जाकर घर पे ही फ्रेश होना है, क्योंकि 12 पर है ना सब पब्लिक नहाती है ना, तो घर जाकर नहाना जरूरी होता है, तो भी घर जाकर भी नहाना है। चलिए घर मिलते हैं। तो क्या, मैं तो फ्रेश होकर आ गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, साथ के रेस से वहां से आ गए, नहीं तो वहां पर तो ऐसा लग रहा था किसी के हाथ पैर टूट जाएंगे, कुछ हो जाएंगे। अभी जब मैं वहां पर नहा रहा था तो मैंने देखा ऐसी टक्कर हुई, इतनी भीड़ थी गर्मी की वजह से 12 पर, सारी पब्लिक मेरठ की थी, हमारे गांव का मुझे एक भी नहीं दिखाई दिया वहां पर, और सारी पब्लिक मेरठ से इधर आसपास से आई हुई थी। तो ऐसे नहा रहे थे पागलों की तरह, मतलब किसी की टक्कर लग जाए, किसी का हाथ टूट जाए, कोई नीचे नहा रहा है ऊपर से आप एकदम से ऐसे कूद रहे हैं। मेरे तो कोहनी में बहुत जोर की लग गई है, जैसे मतलब कूद रहे थे मैं बचने के लिए, जैसे चला तो एकदम मेरी दीवार में कोहनी लग गई। चलो दीवार में लगी, मगर यह के साथ खेल से घर आ गए। और कबीर भी था, कबीर नहाया नहीं, यही देख के पब्लिक को देख के कभी नहाया नहीं। कबीर को मैंने वहीं दीवार पर बिठा रखा था, कबीर को मैं वहीं पानी से वैसे ही नहला रहा था। तो साथ खेत से आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, मगर मजा बहुत आया क्योंकि गर्मी लग रही थी, पूरा सर तप रहा था और सर गर्मी की वजह से मेरे सर में दर्द था, सर के दर्द में अभी थोड़ा सुकून है, बहुत ठीक है, मगर अभी भी पूरा ठीक नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा ठीक हो गया है। पूरा सर तप रहा था ना, इसलिए मैंने भी सोचा, मैंने चलो चलते हैं, कबीर भी जिद कर रहा था, और मेरा दूसरा मकसद ये था कि पब्लिक को दिखाना कि कितनी गर्मी है। इस वजह से मैं गया कि वहां पर जिस गर्मी का मतलब जो गर्मी है, जो हाल हो गया 2-3 दिन से इतनी गर्मी है, ये देखते हैं 12 पर कितनी भीड़ है। तो बहुत भीड़ थी, बहुत ज्यादा, नंबर भी नहीं आ रहा था इतनी पब्लिक थी, पब्लिक में इतना मैं दिखा भी नहीं पाया आपको, तो बहुत पब्लिक थी। हम तो घर आ गए, फ्रेश भी हो गए, अब मम्मी ने खाना लगा दिया तो खाना खाएंगे, मिलते हैं आपसे बाद में। हमारा तो खाना पीना मस्त हो चुका है, अब सबके लिए बनाकर लेकर आया हूँ मैं चाय। तो देखिए चाय लेकर आया हूँ एकदम कड़क वाली,
मेरी स्पेशल चाय जो कि सब फेमस कहते हैं मेरी चाय को, तो सबके लिए बना कर लेकर आ गया चाय, और चाय पियेंगे। मेरे सिर में भी दर्द है तो चाय की मुझे बहुत वो हो रही थी, अभी चाय पियेंगे आराम से सब सब बैठे यहीं पे बातें कर रहे हैं। गाइस मैं जा रहा हूँ कबीर को लेकर उरस में, तो कबीर तो मानता ही नहीं है, डेली उरस में जाना है डेली। अभी 5 बजे हैं, अभी रेस्ट करके मैं उठाऊँ, चार्जिंग भी फुल नहीं है अभी मोबाइल में, तो अभी जा रहा हूँ कबीर को घुमाने के लिए। फिर उसके बाद में बोल रहा है तो दब आंटी की भी जाना है, तो चलिए चलते हैं। कबीर देखिए रहा बाहर, कबीर कहाँ जा रहे हैं हम, कहाँ जा रहे हैं पहले बताओ जल्दी से। उरस में मेले में, तो उरस ही तो मेला होता है वो। चलो 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 जल्दी से, अब बता दो सबको कहाँ जा रहे हो। उरस में, जोर से बताओ जोर से, उरस में। चलो निकल गए हम तो मेले के रास्ते, ये है हमारे इंचोली के मेले का रास्ता। कबीर कहाँ जा रहे हैं, मेले में। मेले में ये कबीर का दिल जो है ना, बस सुबह से ये रहता मेले में जाऊंगा मेले में जाऊंगा मेले में जाऊंगा, शाम होते ही मेले में जाने के लिए जिद करने लगता है। तो अभी जा रहे हैं, फिर देखो आगे आगे जा रहा है, मेरे जानने वाले मिल गए थे उनसे मैं बात करने लगा, तो खुद देखो आगे आगे जा रहा है, देखो वो जा रहा है, देख रहे हैं सारी मार्केट रेडी है बाहर तक, गेट के बाहर तक। जंपिंग वाला तो चला गया कब्बू, अब किस में कूदोगे, झूले में छोटे वाले इंडोले में, वो तो बंद पड़ा है। अभी तुम शाम में आते, शाम में 6 बजे, अभी तुम 5 बजे तो आ गए, देखना कितनी धूप निकल रही है। अभी बाद में कूदेंगे ठीक है, अभी ऐसे घूमेंगे मेले में ठीक है। अबू नाराज हो रहा है, देखो बहुत ज्यादा नाराज हो रहा है। कभी कहाँ जा रहे हो इधर, कब्बू कहाँ जा रहे हो, हाँ कहाँ जा रहे हो, कहीं नहीं। ये क्या हो रहा है इधर, झूला लग रहा है, अच्छा आओ चलो सदा वंडी के पानी पीना आया, देखो मेले में से कूदो उधर बीच में जाके कूदो। जाओ जाओ कूदो। अभी यार हम तो मेले में तो घूमकर आ गए, 5 बजे लेकर गया था और 7 बजने वाले हैं, 2 घंटे से मेला घूम रहा था। सदा आंटी के घर भी गए हम, और कबीर की सदा आंटी, मेरी सदा आंटी नहीं, और घर आए तो देखो कबीर को कितना बड़ा सरप्राइज मिला है। कबीर दिखाना, देखो कबीर को कितना बड़ा सरप्राइज मिला है, देखो अजी मामा ने इसके लिए पिज्जा बुक करा था बिगिज से, तो पिज्जा आया, कितने पिज्जा है, 2 पिज्जा आया कबीर, 2। ये देखो 2 पिज्जा, हाँ देखो ये वो है केचप, 3 आए थे, अच्छा 3 मंगाए थे, तो 3 पिज्जा आए थे, 2 कबीर के, 1 अजीम मामा ने अपने लिए मंगाया था। ये देख रहे हो कबीर पिज्जा, कबीर का देखो पिज्जा आ गया, कल से पिज्जा को कर रहा था कबीर, तो आज हमारा कबीर का पिज्जा आ ही गया है ना कबीर। चलो जल्दी से ओपन करते हैं, ये देखिए कबीर अपना पिज्जे की अनबॉक्सिंग कर रहा है, इधर से नहीं होता, इधर से होता, हाँ जल्दी करो खुल नहीं रहा आपसे। ये ऑनियन पिज्जा, बस एक खोल लो, अच्छा है ना, अच्छा है ना, छोटा है कहाँ है छोटा, अच्छा तो है, बड़ा तो है, देखो अभी इस पे केचप डालेंगे और चिली फ्लेक्स डालेंगे ठीक है, केचप अंदर है देखो, इतनी सारी केचप है देखो भाई, ये रही देखो भाई कैसा कर रहा है भाई। चलो पिज्जा खाएंगे, चलिए पिज्जा खाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। घर आके हमें बहुत अच्छा सरप्राइज मिला है, कबीर के साथ हमें भी पिज्जा खाने के लिए मिल रहा है, देखो कैसा खा रहा है, देखो कितना बड़ा पिज्जा लिया है। वैसे मामा ने उसको मंगा के दिया है ना कबीर, देखो कभी खाओ जल्दी से खाओ, ये देखिए कैसा खा रहा है कबीर पिज्जा हमारा, कबीर की नानी भी खा रही है। तो भी खाने के बाद मिलेंगे आपसे, फिर हमें एडिटिंग भी तो करनी है, एडिटिंग भी करेंगे, पिज्जा खाने के बाद एडिटिंग करेंगे। मैं तो जा रहा हूँ दिल्ली, इमरजेंसी में एकदम दिल्ली जाना पड़ रहा है, वो क्यों जाना पड़ रहा है वो आपको बाद में आने वाले व्लॉग में पता चल जाएगा। तो फिलहाल मैं अभी निकल रहा हूँ, 8 बज चुके हैं, एकदम से प्लान बना है दिल्ली जाने का और निकल रहा हूँ, जल्दी से निकलते हैं नहीं तो लेट हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं रास्ते में, तो हमारा बैग भी रेडी है और इसको टांगते हैं और निकलते हैं। अम्मी मैं निकल रहा हूँ ठीक है, चलो जी अम्मी से पढ़वा कर जब भी जाता हूँ मैं, कहीं पे भी जाता हूँ अम्मी से भी, और पापा भी पढ़ते हैं, अभी पापा भी पढ़ेंगे तो भी निकलते हैं, अब फाइनली निकल रहे हैं, अब दुआ मम्मी ने पढ़ दिया, पापा भी पढ़ रहे हैं, अब कोई टेंशन नहीं है, साथ के जैसे पहुंच जाएंगे और दिल्ली जाकर ही मिलेंगे आपसे। गाइस मैं खड़ा हूँ बेगमपुल, जहाँ पर ये मेट्रो स्टेशन बन रहा है अंडरग्राउंड, तो यहाँ पर इंतजार में खड़ा हूँ रोडवेज बस अड्डे के लिए जाने के लिए, ऑटो मिल जाए बस मिल जाए,
रोडवेज अड्डे भी पहुंचना है। देखिए इधर से आबुलेन जाते हैं, ये पूरा चौराहा जो है बेगमपुल का ही माना जाता है ना भाई, आबुलेन मार्केट इधर है। मैं तो बस स्टॉप पर आ चुका हूँ, रोडवेज अड्डे देख रहो, सवारी सवारी है और मुझे यहाँ से बस पकड़नी है ISBT की, शायद ISBT की जा रही है। तो भी हमें तो बस मिल गई थी ISBT की और अब हम उतरेंगे सीलमपुर डायरेक्ट। तो अभी हम बस में बैठ गए और बस निकल भी चुकी है, तो रास्ते में मिलते हैं आपसे सिनेमैटिक सीन के साथ। सीलमपुर पहुंच गया हूँ और अब यहाँ से जाऊंगा ब्रह्मपुरी। तो ब्रह्मपुरी से मुझे ओवेस भाई का दोस्त मिलेगा अफजल, सॉरी अफजल भाई मेरे भाई भी हैं, ओवेस के दोस्त हैं, तो वो मिलेंगे मुझे, जहाँ पर मुझे जाना है वो वहाँ छोड़ देंगे। तो चलिए जा रहा हूँ, ऑटो पकड़ते हैं। देख लो भाई कितनी भीड़ है, रात के 11:15 हो रहे हैं, 11:30 के करीब, और कितनी भीड़ है खाने के होटल पर, चाय खाना फ्राई तंदूरी बर्गर चाउमीन, चाय की टटरी पे कुछ ज़्यादा ही भीड़ है। तो नूरी लाही जा रहा हूँ, ब्रह्मपुरी से आगे है, तो जो भाई मुझे मिलने वाले हैं वो नूरी लाही मिलेंगे। 19 का टाइम याद आ गया जब मैं दिल्ली में काम करता था, दिल्ली की गलियाँ घूम रहा हूँ, तो हमारा अफजल भाई साथ हैं, वो छोड़ने जा रहे हैं मुझे, जहाँ पर मुझे जाना है रुकना है। कल बहुत इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त ब्लॉग होने वाला है, सब्सक्राइब कर लो अभी, मजा आएगा। मैं तो दिल्ली आ गया था और हमारा खाना पीना भी मस्त हो चुका है, ओवेस भाई भी मुझे मिल गए हैं, अफजल भाई तो मुझे छोड़कर चले गए थे और अभी ओवेस भाई दोबारा वापस बाहर गए हैं। तो रात के बज रहे हैं 2:45 और अभी मैं एडिटिंग भी फ्री हो गया हूँ, अब बस थंबनेल बनाना बाकी रह गया है, थंबनेल बनाकर तहज्जुद पढ़कर सो जाएंगे, फिर मुझे सुबह जल्दी निकलना है, 5 बजे निकलेंगे कम से कम। बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग रहेगा, बहुत जबरदस्त ब्लॉग रहेगा, एक बार फिर कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन प्रेस कर लें जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और प्यार सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, आप खुद ही देख सकते हैं आप सभी के लिए मैं कहां से कहां पहुंच रहा हूं। रात में 8:30 बजे मैं अपने घर से निकला और दिल्ली पहुंचा, ये सब आपके लिए ही कर रहा हूं, बस ये है कि आप सबको अपने चैनल पर रोक सकूं, एंटरटेन कर सकूं, आपको कुछ अलग दिखा सकूं हटकर, बस यही मेरा चल रहा है। तो फिलहाल हम इस ब्लॉग का यही एंड करेंगे, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करना, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय। रात के 3 बजे मैगी और देखिए कोल्ड ड्रिंक, दिल्ली तो पूरी रात खुला रहता, अभी जस्ट जाकर ये बाहर से मैगी लेकर आए और कोल्ड ड्रिंक लेकर आए, तो अभी खा रहे हैं सब बैठकर, खाने के बाद सो जाएंगे आराम से, फिर सुबह जल्दी उठना भी है, 4 बजे उठना है।